प्रेतपन का नाश करने वाले हैं, इन्हें विधि पूर्वक करने से मृतक पितरों के पंक्ति में पहुंचता है। मृतक के पितृ पंक्ति में पहुंचने के लिए तीनों प्रकार के 48 श्राद्ध करने चाहिए। पुत्र के न होने पर स्त्री अपने पति के निमित्त उपरोक्त 48 श्राद्ध कर सकती है। जो स्त्री अपने मृतक पति के निमित्त 48 श्राद्ध करती है वह सती कहलाती है। यदि कोई प्रमादवश अग्नि या जल से मर जाए तो उसका संस्कार कर्म विधि से करना चाहिए। सर्प के काटने से मृत्यु हो जाने पर दोनों पक्षों के पंचमियों को नाग पूजा करनी चाहिए। नाग पूजन गेहूं के आटे से नाग की मूर्ति बनाकर सुगंधित श्वेत पुष्प एवं चंदन से उनकी पूजा करें तथा कच्चा दूध उसके आगे रखकर ब्राह्मण को देवे। अकाल मृत्यु होने पर उसके उद्धार के लिए नारायण बलि करें। ऐसा करने से वह पापों से छूट कर स्वर्ग को चला जाता है। इस प्रकार सब क्रिया करके जल और अन्न के साथ एक वर्ष हर महीने घट का दान करें। इसी प्रकार 11वें दिन पिंड एवं जलांजलि देकर 12वें दिन सपिंडी करें। जब सूतक निकल जाए तो संयादान पददान आदि से धर्म की शांति करें। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। फिर गरुड़ जी बोले कि हे भगवान, मुझे सपिंडन विधि सूतक निन्ने संया पददान आदि की सामग्री बताने की कृपा करें।